डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर टेकिंग द टॉपिक द प्रेजिडेंट वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्रेजिडेंट इज दफ़ द स्टेट ऑन द वन हैंड प्राइमि यूनो ही इज द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट एंड प्रेजिडेंट इज दफ़ द स्टेट इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ़ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनेस पावर्स जैसे कि हमारे पोलिटिकल सिस्टम में जो हैड ऑफ द स्टेट है ही एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर नॉमिनल पावर का एक्सरसाइज करता है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शन आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरिमोनियल हमारे भारत में जो प्रेजिडेंट है उसके फंक्शंस का जो है ब्रिटेन की महारानी की तरह ही सेरेमोनील टाइप में हैं कुछ बड़े बहुत बड़े हद तक द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑल पोलिटिकल्स इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री प्रेसिडेंट जो है पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक संस्थाएँ उनकी फंक्शनिंग को ओवरऑल सुपरवाइज करता है सो दैट दे ऑपरेट इन हारमोनी जिससे कि वो शांति से काम कर सकें एंड दे दीज इंस्टीट्यूशन दीज पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट और वह इस्टेट के राष्ट्र के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें द प्रेजिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाई द पीपल्स लो के द्वारा सीधे तौर पर नहीं चुना जाता ऑल द मेम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्टिव असम्बलीज इलेक्ट द प्रेसिडेंट ए कैंडिडेट स्टैंडिंग्स फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गैट ए मेजोरिटी ऑफ द वोट्स टू विन द इलेक्शंस और अगर कोई व्यक्ति जो है कैंडिडेट प्रेजिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन uh, कंटेस्ट कर रहा है तो इन दैट कंडीशंस प्रेसिडेंट को जो है कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट को मेजोरिटी ऑफ वोट्स को विन करना होगा दिस दिस इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन इन रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन ये सुनिश्चित करने के लिए प्रेसिडेंट को जो है पूरे राष्ट्र को प्रतिनिधित्व कर करते हुए देखा जाता है देखा जा सके at the same time the president can never claim the head of um, claim the kind of डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट इसी समय प्रेजिडेंट कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि uh, उसे डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट जनमत जो है उसे हासिल है इस जो प्राइम मिनिस्टर को है वो इस तरह का दावा नहीं कर सकता दिस एन सी प्रसिडेंट रिमेन्स ऑनली नॉमिनल एजुकेटि इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो एक नामिकल नॉमिनल एजिवस के तौर पे नाम मत के एजुकेटिवस के तौर पे वर्क करता है द सेम इज़ ट्रू फॉर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और जो ये चीज़ है नॉमिनल्स uh, पावर्स वाली तो ये प्रेसिडेंट के पावर के मामले में भी uh, जो है सही है इफ़ यू कैजली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करें यू वुड थिंक आप ये सोचेंगे कि दैट देर इज नथिंग दैट सी कैट डू कि वो कुछ नहीं कर सकता आप ये सोचेंगे ऑल द गर्मेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट सारी राज सारी सरकारी जो एक्टिविटीज हैं गमेंटल एक्टिविटीज हैं वो प्रेजिडेंट के नाम पर ही होती हैं ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस सभी लॉज और मेजर पॉलिसी डिसीजन जो हैं वो उन्हीं के नाम पर इसूट होते हैं जारी किए जाते हैं ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट सारे मेजर अपॉइंटमेंट्स जो बड़े अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट्स के नाम पर ही किए जाते हैं दीज इंक्लूड द इसमें जो अपॉइंटमेंट्स um, हैं वो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट स्टेट ऑफ गवर्नर द स्टेट्स का अपॉइंटमेंट्स उसी के नाम पे होता है इलेक्शन कमिश्नर द एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज ऑल आर अपॉइंटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो मेड इन द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट सभी इंटरनेशनल टी टी आर अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट जो होते हैं सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं द प्रेडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया प्रेजिडेंट जो होता है वो डिफेंस कमांडर सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया होता है बट वी वुड रिम्बर दैट प्रेसिडेंट exercise ऑल these पावर्स ओनली ऑन द एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेकिन सारी जो ये प्रेसिडेंट है सब ये पावर को अपनी एक्सरसाइज करता है वैन द प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिव एडवाइज टू हिम द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू दी इट्स एडवाइज प्रेसिडेंट जो है अपनी एडवाइस के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री को कैबिनेट मिनिस्टर्स को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकन्सिडर करने के लिए एडवाइज़ कर सकता है बट इफ़ द सेम एडवाइज इज गिवन अगेन अगर सेम एडवाइस फिर कैबिनेट के द्वारा प्रेसिडेंट को दी जाती है तो इन दैट कंडीशन द प्रेसिडेंट इट बाउंड टू एक्ट एज पर द एडवाइस गिवन बाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है बाउंड है बाध्यकारी है सिमिलरली ये बिल पास बाई द पार्लियामेंट बिकम्स ए लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव असेंट टू इट और इसी तरह से एक बिल जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है वैन द प्रेसिडेंट पुट इट्स सिग्नेचर बिकम लॉ वैन द पेसेंट गिव इट्स कंसेंट देन इट बिकम बिल द पेशेंट वांट सी कैन डिले दिस फॉर समाइम्स अगर पेशेंट चाहता है तो इसको कुछ समय के लिए डिले कर सकता है और वापस पार्लियामेंट को भेज सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए बट इफ पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन और बिल अगर पार्लियामेंट पास करके फिर उसी बिल को फिर भेज देती है तो इन दैट कंडीशन द प्राइम द पेसेंट हैज़ टू तो पुट द सिग्नेचर ऑन दैट बिल सो यू मे वर दैट वाट डज द प्रेजेंट रियली डू आपको यह आश्चर्य के प्रेसेंट करता क्या है कैन सी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल क्या वो अपने आप कोई सारे काम कर सकता है देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स सी शुड डू ऑन हर ओन वह सभी काम एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो सभी काम अपने आप कर सकता है अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट वह पार्टी और कोलेस ऑफ पार्टी ए क्लियर मेजोरिटी टू इन द इलेक्शंस द प्रेजेंट टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलेंस दैट एन्जॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा अगर कोई पार्टी जो है जो लार्जेस्ट पार्टी है या कोलेसन पार्टीज हैं वो क्लियर मेजोरिटी इलेक्शन में सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो प्रेसिडेंट इन दैट कंडीशंस प्रेसिडेंट चेक जो मेजोरिटी का लीडर है उसको अपॉइंट करता है या को का इफ दैट पर्सन इज एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा वैन नो पार्टी और इलेक्शन गेट थी मेजोरिटी इन द लोकसभा अगर कोई पार्टी और कोलेशन जो है मेजोरिटी लोग स्वभाव नहीं लेता है द पेन्ट एक्साइज द एक्साइज हर डिस्क्रिएशन तो प्रेसिडेंट जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करता है द प्रेसिडेंट पॉइंट से लीडर हुई इन हर ओपिनियन कैन मास्टर मेजोरिटी और प्रेसिडेंट उस लीडर को अपॉइंट करता है जो मेजोरिटी uh, को मास्टर कर सकता है इकट्ठी कर सकता है Uh, उसकी ओपिनियन में uh, लोकसभा के अंदर ऐसे केस में द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऐसे केस में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर्स को मेजोरिटी uh, प्रूव करने के लिए लोकसभा में विदिन ए स्पेसिफाइड टाइम्स कह सकता है